चैनल आई एम रेखा खोला। आज हम सिक्स क्लास की ज्योग्राफी का 8 चैप्टर करने जा रहे हैं, लास्ट चैप्टर है ये। इसमें हम सबसे पहले मैप को करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैप में हमें देखना है, इंडिया के मैप में जैसलमेर, बीकानेर, द्रास, कारगिल, मुंबई, कोलकाता, मौसिनराम, ठीक है। ये राजस्थान में आप देख सकते हैं बीकानेर, ये जैसलमेर है, ठीक है। ये मुंबई है, इधर आप देख सकते हैं कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं J&K में द्रास और कारगिल, देख सकते हैं ये मौसिनराम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट। मॉनसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, दीज विंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द रेनफॉल्स इज नेसेसरी फॉर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन इंडिया। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। ब्रॉडली 4 मेजर सीजन्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। कोल्ड वेदर सीजन्स विंटर दिसंबर टू फरवरी, हॉट वेदर सीजन समर फ्रॉम मार्च टू मई। आगे देखिए, साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेनी फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। फोर्थ वन है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून फ्रॉम अक्टूबर एंड नवंबर। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशंस, द प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दे ग्रो ऑन देयर ऑन विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, दे एडजस्ट टू क्लाइमेटिक एंड सोयल कंडीशंस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस फाउंड इन इंडिया। वेजिटेशंस फाउंड इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 टाइप्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशंस, मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए डिफरेंस देखेंगे इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडस फॉरेस्ट। देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में देखिए, दे ऑकर इन एरियाज वेयर द रेनफॉल इज वेरी हैवी, सो दे आर डेंस दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। These forests are also called monsoon forest, they are less dense. Next point हमारा है, many species of trees are found which shed their leaves at different times of the years. They always appear green and so are called evergreen forest. They shed their leaves at a particular time of the year. Third one, important trees found are mahogany, ebony, rosewood. Important trees are sal, teak, peepal, neem and sisam. अगला है हमारा, they are found in एंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स एंड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इसका फोर्थ देखिए, दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। आगे देखिए इसमें, वाई इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। मेनी स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वी शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। दे द फॉरेस्ट दस ऑलवेज अपियर ग्रीन एंड इज कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। टिक द करेक्ट आंसर, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल ऑकर इन। देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा मौसिनराम। मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन, इसमें आएगा हमारा फर्स्ट सैलिन वाटर, ठीक है। महोगनी एंड रोजवुड ट्रीज आर फाउंड इन, इसमें क्या आएगा हमारा थर्ड आएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन, डी में आएगा हमारा फर्स्ट हिमालयन रीजन, ठीक है। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम, इसमें क्या आएगा हमारा सी टू लैंड। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज डैश ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर, इसमें आएगा लू। द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ डैश, इसमें क्या आएगा रिट्रीटिंग मानसून। डैश फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ गिर लॉयंस। डैश इज अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसमें आएगा सुंदरी। डैश आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, इसमें आएगा ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ठीक है। आगे देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कुछ और देख लेते हैं हम इसमें, जो इंपॉर्टेंट है, नॉलेज को बढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। वाई डज इंडिया हैव अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस बिकॉज ऑफ वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज वन महोत्सव, इट इज अ प्रोग्राम टू इन्वॉल्व मोर पीपल्स टू प्लांट न्यू ट्रीज एंड कीप अवर अर्थ ग्रीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज एग्रीकल्चर फेल इन इंडिया? द एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून. इफ मॉनसून आर वीक और फेल टू अकर, देन एग्रीकल्चर ऑल्सो फेल. हाउ डू द साउथ वेस्ट विंड्स ब्रिंग रेनफॉल? द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ द मॉनसून. The winds blow from the Indian Ocean towards the land. They carry moisture with them. When these winds strike the high mountain barrages of the north, rainfall occurs. Next हमारा है, in which parts of India are thorny bushes found and how do they survive in dry areas? देखिए इसमें, this type of vegetation is found in the dry regions of the country. They have leaves in the form of spines to reduce loss of water. Cactus, kher, babool, kikar are found in the states of Rajasthan, Punjab, Haryana, Gujarat and eastern slopes of Western Ghat. That's all for today. Thank you. Have a nice day.